गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ की हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पार्ट छः कक्षा सात की हिंदी, ठीक है। और इस लेसन का नाम क्या है इस पार्ट का? सोना। इस पार्ट का नाम है सोना। और देखिए इसकी जो लेखिका है महादेवी वर्मा। हाँ, तो जो महादेवी वर्मा है इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी जी का वर्मा 1907 में और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1987 ईस्वी। देखिए बच्चों, फिर महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में 1987 में। हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री, हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री है ये। और लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा, जो उनकी आरंभिक शिक्षा थी वो इंदौर में हुई थी। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। जो प्रयाग में विश्वविद्यालय है वहाँ से उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की। वे अनेक वर्षों तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की आचार्या भी रहीं। कई सालों तक जो प्रयाग में महिला विद्यापीठ है वो उसकी आचार्या रहे। वहाँ पे उस तौर पर उन्होंने कार्य किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की मनोनीत सदस्या भी वो रही। कौन? महादेवी वर्मा जी, ठीक है। उनकी विविध साहित्यिक, शैक्षणिक, सामाजिक सेवाओं के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें यामा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि उनकी उत्कृष्ट गद्य की रचनाएं हैं। देखिए बच्चों, ये सब जो रचनाएं थी, यामा हो गया और काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त, यामा काव्य संग्रह जो था ना उस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। स्मृति की रेखाएं हो गई, अतीत के चलचित्र हो गए, पथ के साथी हो गए, मेरा परिवार हो गया, ये सब इनकी बहुत ही उत्कृष्ट गद्य रचनाएं हैं। देखो जो यहाँ पे प्रस्तुत जो पाठ है यहाँ पे मेरा परिवार से लिया गया। ये जो सोना लेसन हम पढ़ेंगे ना पाठ, तो ये किससे लिया गया है? ये प्रस्तुत पाठ मेरा परिवार है जो उनकी लिखी हुई कहानी जो है, इसमें जो मेरा परिवार है इससे लिया गया। इसमें लेखिका ने हिरण शावक का बड़ा ही मार्मिक शब्द चित्र खींचा है। हिरण, छोटा सा हिरण के बच्चे का इसमें ही बड़ा ही मार्मिक शब्द चित्र खींचा। सोना मात्र एक हिरण ही नहीं अपितु उनके परिवार की एक सदस्य थी। सोना उस हिरण शावक का जो बच्चा था, हिरण शावक का बड़ा ही मार्मिक शब्द चित्र खींचा। सोना जो थी इनके घर में, सोना आई थी, वो एक हिरणी ही नहीं थी बल्कि उनके परिवार की एक सदस्य भी थी। उन्होंने उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा था। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने के कारण आज सोना की अचानक ही इनको याद आ गई। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर, इनके कोई परिचय के डॉक्टर थे, स्वर्गीय धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री थी सुष्मिता। सुष्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में संबद्ध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। अब क्या है, वो बड़ी हो गई है। बच्चे छोटे होते थे कहीं भी रख ले, लेकिन क्या था, अब वो हिरण का बच्चा जो था बहुत ही बड़ा हो गया था। अब उसको बहुत बड़ा स्थान चाहिए था उसको घूमने के लिए, खेलने के लिए। तो क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं। अच्छा, ये कौन था? मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पौत्री सुष्मिता ने लिखा, उसने पत्र लिखा था कि क्या आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को, हाँ, उसे स्वीकार करेंगे, सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उसके साथ बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भलीभांति देखभाल भी होगी और कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था, बोल रही हैं कि मैंने कई साल पहले ही निश्चय कर लिया था कि मैं हिरण नहीं पालूंगी। आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं थी। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी। जो सोना थी ना,
वो इनके यहाँ इसी प्रकार से वो अचानक आ गई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी, जो उसकी छोटी अवस्था थी ना, शैशवावस्था छोटी सी, तो पार नहीं कर पाई थी। सुनहरे रंग की रेशमी लक्षों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह, बड़ी बड़ी पानीदार आँखें, देखती तो लगता कि अभी छलक पड़ेगी, लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही उनमें सुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में गौंच जाती है, सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णी रूपसी के उपयुक्त तो सोना सुवर्णा स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गया। उसको देख के सब, जब छोटी सी थी तो इतनी प्यारी लग रही थी, सब उसके रूप से इतने प्रभावित हुए, सबने जो भी देखता उसको एक अलग नाम देता, कोई उसको चंपक वर्णा बुलाता, चंपक वर्णा रूपसी को उपयुक्त, कोई सोना, कोई स्वर्णा, कोई स्वर्णलेखा, हाँ आदि नामों से उसको बुलाया जाता था। परंतु उस बेचारे हरिण सावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है। अब उसकी कथा बता रही है जिस मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है, बेचारे सोना भी मनुष्य की निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी। अच्छा, वो किस तरह से मानव समाज में आई उसके बारे में बता रहे हैं कि प्रशांत वन स्थली में, ये वन में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ बैठा मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंककर भागा, जो मृग था वहाँ शिकारी गए तो भाग गया, तब सोना की माँ सदैव प्रसूता होने के कारण, और उसी समय वो प्रसूता थी, सोना को जन्म देने वाली थी, तो मृग समूह जो था वो भाग गया वहाँ से शिकारियों की आहट से, सोना की माँ जो थी वो प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही क्योंकि सोना अभी होने वाली थी। सदैव जात मृग शिशु जो हैं